नमस्कार दोस्तों मालवी क्लासेस के पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है आदित्य सिंह और मैं आप सबके सामने एक बार फिर से आया हूं और लेकर आया हूं साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक बेटा आपके नेवी एम की परीक्षा में जो आपके साइंस का सिलेबस है उसमें पहला ही टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की प्रकृति तो हम पदार्थ की प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने पढ़ा हमने हमने पढ़ा कि द्रव्य क्या होता है पदार्थ क्या होता है यह हमने पढ़ रखा है द्रव्यमान आयतन घनत्व भी पढ़ा हमने इसके साथ साथ द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की क्या कहा हमने कहा कि द्रव्य की अवस्थाएं जो मूल रूप से आपको एग्जाम्स में देखना है पढ़ना है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है अगर मैं उसकी बात करूँ केवल अगर केवल मैं उसकी बात करूँ तो ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की पाँच अवस्थाएँ हैं या द्रव्य की पाँच अवस्थाएँ हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ा दिया ठीक है अच्छा इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने द्रव्य की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी चर्चा की यानी कहने का मतलब जो सॉलिड है ठोस है कब द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा द्रव कैसे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा गैस कैसे वापस ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा ठोस कैसे सीधे गैस में कन्वर्ट हो सकता है गैस से कैसे प्लाज्मा बन सकता है तो ये सारी चीजें भी हमने हम आ, आ, आपको पढ़ा रखा है ठीक है चलो याद रखना अच्छा इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं द्रव्य के बारे में बात करूं तो उसका हमने क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया था ठीक है पहले हमने क्या पढ़ा पहले द्रव्य के बारे में पढ़ा फिर द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा फिर द्रव्य की अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में पढ़ा अब हम क्या पढ़ रहे हैं अब हम द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि एक मिश्रण होता है द्रव और एक होता है प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ होता है तो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो दो रूपों में होता है एक तो होता है एलिमेंट यानी कि तत्व और दूसरा होता है कंपाउंड यानी कि यौगिक होता है अच्छा जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो वो भी दो कैटेगरी में है एक होता है होमोजेनस मिक्सचर जिसको कहते हैं समांगी मिश्रण और एक होता है हेटरोजिनस मिक्सचर जिसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण अच्छा याद रखना जो हाइड्रोजिनस मिक्सचर होता है उसके अंतर्गत आता है कोलाइड और सस्पेंशन या निलंबन और कोलाइड और जो होमोजिनस मिक्सचर होता है उसके अंतर्गत आता है सोलूशन या जिसको आप कहते हैं रियल सोलूशन या ट्री ट्रू सोल्यूशन कहते हैं तो उसी क्रम में हमने एलिमेंट के पहले यहाँ पर देखो पहले हमने यहाँ पर हम जब प्योर सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे तो पहले मैंने बताया कि आपको पहले एलिमेंट पढ़ना होगा फिर कंपाउंड पढ़ना होगा तो एलिमेंट के क्रम में हमने मेटल metal, मिटलाइड और नॉन मेटल इन तीनों को देखना देखा था

पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं ये हैं मेटल्स और जो राइट साइड में है ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं ये हैं नॉन मेटल्स क्या हैं नॉन मेटल्स और यहाँ छह की संख्या में आपको मेटल्स और मेट, नॉन मेटल्स के बीच में कुछ पदार्थ दिखाई दे रहे होंगे जैसे बोरॉन हो गया सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम हो गया आर्सेनिक हो गया एंटीमनी हो गया और टेल्यूरियम हो गया तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मेटलाइट जिसको कहते हैं उपधातु अब देखो उपधातु का कह मतलब ही हुआ कि ये धातु का थोड़ा सा गुड़ रखेगा और जबकि थोड़ा सा गुड़ क्या रखेगा किसका रखेगा ये रखेगा भैया हम कहें तो अधातु का गुड़ रखेगा इसीलिए धातु और अधातु के बीच में ही आता है संक्रमण है वाले जो क्षेत्र है धातु और अधातु का वहां पर आता है तो उसी क्रम में ठीक है पहले हमने मेटल्स की क्या देखी थी हमने मेटल्स के बारे में उसका फिजिकल uh, जो प्रॉपर्टीज है जैसे मेटल्स डक्टाइल होते हैं यानी कि ता होती है इनमें मेलियेबल होते हैं यानी कि इनमें आघात वर्धीनता का गुण होता है पीट कर चादर बना सकने वाला ठीक है जो प्रॉपर्टी है इसके सामने हमने देखा ये मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं इनमें से मेटेलिक साउंड निकलता है क्रिएट होता है अगर इस पर चोट किया जाए अच्छा कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे हम कहें तो कंडक्टर होते हैं ये सब मैंने आपको बता रखा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हम कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका इस्तेमाल किया जाता है इनकी रॉड्स का और इसके साथ साथ इसमें लश्चर होता है यानी कि एक विशेष चमक होती है मेटल्स में क्लियर हमने ये सब आपको बता रखा है अच्छा इसके साथ साथ हमने नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी बताई आपको कि ये क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं यानी कि इंसुलेटर होते हैं और इसमें धात्विक ध्वनिया यानी कि सोनोरस साउंड जो होता है ये भी नहीं प्रोड्यूस होता और ये मेलिएबल भी नहीं होते अर्थात इनको पीट हम चादर में ढाल नहीं सकते और ये नॉन लश्चरस होते हैं यानी इनमें धात्विक चमक भी नहीं होती और ये ब्रिटल होते हैं यानी कि धातुओं की तरह मेलिएबल ना होकर बल्कि ये भंगुर होते हैं क्या होते हैं ब्रिटल अर्थात इन पर चोट करेंगे तो ये टूट जाते हैं अच्छा इसके साथ साथ ये नॉन डक्टाइल होते हैं अर्थात कहने का मतलब इनको खींचकर चादर में भी नहीं ढाला जा सकता अच्छा इसके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं ध्यान से देखेंगे अब आज के सेशन में हम यहां से शुरुआत करेंगे है हाँ ना अभी तक जितने हमने आपको जो जो भी स्लाइड्स दिखाई उन सभी स्लाइड्स के बारे में उन सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से पहले की कक्षाओं में बता रखा है जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पहले की कक्षाओं को देख सकते हैं प्ले बन गई है नेवी एम की है ना तो नेमी आवार की जो प्ले है वहां पर आप साइंस का प्ले ओपन करेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा पढ़ सकते हैं ठीक है सर ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट सर प्लीज शिवा ठाकुर का कहना है प्राइवेट है या गवर्नमेंट बेटा ये गवर्नमेंट होता है प्राइवेट नहीं होता ठीक है ध्यान रखना इस बात का चलो अगर रणजोत नाहर शिवार ठाकुर स्नेहा चौधरी सभी बच्चे ठीक है ध्यान से देखेंगे आगे अगर मैं बात करूं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं उनकी हम बात करें किसके बारे में बेटा केमिकल uh, प्रॉपर्टी uh, के बारे में देखो अगर uh... फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मेटल्स भी हमने देख लिया था और नॉन मेटल्स भी देख लिया था फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के बारे में अब आता है रासायनिक गुण जिसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है तो रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो देखो यहां पर लिखा है क्या धातु लिखा है यानी कि यह है मेटल्स तो मेटल्स की प्रॉपर्टी इसके नीचे लिखी है और यह है अधातु यानी कि यह है क्या यह है नॉन मेटल्स क्या है यह है नॉन मेटल्स और इसकी प्रॉपर्टी यहां पर नीचे लिखी है तो अगर हम मेटल्स की बात करें अगर हम मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले याद रखना एसिड के साथ किसके साथ बेटा अगर हम बात करें एसिड के साथ मेटल्स क्या रिएक्शन करता है तो ध्यान से देखना किसी भी अम्ल के साथ जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं क्या बनाते हैं ये बनाते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं आपको ध्यान से देखिए आपको यहां पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा क्या बनाते हैं हाइड्रोजन गैस यहां पर देखो उदाहरण भी आपके सामने दिया गया है ठीक है जैसे यहां पर एक मैग्नीशियम धातु है इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया तो क्या बन गया एक तो साल्ट बन गया भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई हाइड्रोजन गैस एटमोसफियर में मुक्त हो गई देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं सभी बच्चे बताएंगे देख पा रहे हैं या नहीं समदर्शी सिसोदिया का कहना है सर ऐप पर क्लास कब से स्टार्ट होगी बेटा सब कुछ बता देंगे अच्छा आओ पहले उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं बात करें अगर एप पर क्लास की तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पर ये ऐप की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सिलेबस है नेवी एम का ठीक है वो पूरा हम कंप्लीट कराएंगे टॉपिक वाइज ठीक है इसमें थियरी की क्लासेस भी होंगी ठीक है बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट देंगे उसके साथ साथ मॉक टेस्ट की भी सुविधा देंगे आपको एप पर और ये सारी क्लासेस मैथमेटिक्स की चलेगी भैया शाम को चार बजे एप एप की बात कर रहा हूँ और जीके की क्लास चलेगी शाम को पाँच बजे और साइंस की क्लास चलेगी शाम को छः बजे चलेगी और ये चलेगी एप एप पर चलेगी कब से भाई पंद्रह अप्रैल से डेट नोट कर लो यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है क्या लिखा गया है भाई पंद्रह अप्रैल से ये सारी की सारी कक्षाएं आपकी हम कहें तो ऐप पर देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर उसका एक्सेस मिल जाएगा यदि आप नेवी एम का त्रिशूल बैच ज्वाइन करते हैं तो ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं किसके बारे में ये तो हो गई चलो ऐप की बात हो गई है ना आप लोग ऐप के बारे में परेशान रहते हैं तो चलो ये तो ऐप की बात हो गई अब आइए बात करते हैं किसके बारे में अब बात करते हैं बेटा जहां पर हम पढ़ रहे थे ठीक है ध्यान से देखना ठीक है चलो अगर मैं बात करूं यहां पर ध्यान से देखना कि जब भी किसी मेटल्स को किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है अवश्य मुक्त होगा इसको याद रखना क्लियर चलो अच्छा इसी के साथ अगर हम बात करें अधातुओं के बारे में यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो ये अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं ठीक है केवल एक ऐसी धातु है जो इसका एक ऐसी अधातु है जो इसका अपवाद है ठीक है समझ में आ रही बात ध्यान से देखना क्या कह रहा है ध्यान से देखना हाँ भाई आदित्य सर ही हैं, रूपम झा ठीक है अगर हम बात करें तो ये देखो जब भी आपसे कहेगा नॉन मेटल्स क्या एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप कहेंगे नहीं करते हैं लेकिन अपवाद स्वरूप पर क्या है एक है है एक भाई सल्फर ठीक है? याद रखना सल्फर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है याद रखना सल्फर अम्ल से क्रिया करता है किससे क्रिया करता है बेटा जब भी आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे सल्फर जो है वो अम्ल से एक मिनट साफ करके इसको अच्छे से लिख दूं मैं है ना ताकि आपको समझ में आए सल्फर जो है वो अम्ल से क्रिया करता है है ना अम्ल से अभिक्रिया करता है ठीक है ये है अपवाद ठीक है तो याद रखना इसको ठीक है अब क्या करता है ये आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा इवन आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी अधातु है जो अम्ल से क्रिया करती है याद रखना जब भी पूछा जाएगा तो अम्ल से क्रिया कौन करता है तो मेटल्स के बारे में ही पूछा जाएगा धातु के बारे में ही पूछा जाएगा तो कोई भी धातु हो ठीक है कोई भी धातु हो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या मान लो सोडियम हो गया तो सोडियम को अगर हम एच सी एल से रिएक्ट करेंगे एच सी एल एक अम्ल है आप सभी जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वहां पर यह एनए सी एल बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा यानी एनए सी एल साधारण नमक बन जाएगा साल्ट बन जाएगा तो जब भी किसी अम्ल का रिएक्शन कराते हैं मेटल से तो मेटेलिक सॉल्ट बन जाता है और मेटेलिक सॉल्ट बनने के बाद एटमोस्फियर में यानी उस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस रिलीज

ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी टू एम बना दिया अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है ये एक प्रकार का क्या है भाई ये एक प्रकार का है क्षारीय ऑक्साइड है क्या है बेटा ये है एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड है याद रखना ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है क्षारीय ऑक्साइड है ठीक है तो यहां पर देखो स्टेटमेंट यहां पर सिद्ध हुआ कि कोई भी मेटल हो कोई भी धातु हो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रियक, करके ऑक्साइड बनाएगा वो भी बेसिक ऑक्साइड बनाएगा याद रखना क्लियर तो यहां पर आप देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट है यहां पर अगर मैं बात करूं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में तो कह रहा है कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ अल, अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस को देती हैं यानी कहने का मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं है, है ना अगर मैं बात करूँ वाटर के साथ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बनाते हैं क्या जो बनाते हैं ऑक्साइड बनाते हैं कुछ मेटल्स वाटर के साथ ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ मेटल वाटर के साथ क्या बनाते हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं यानी ये या डिपेंड करता है मेटल्स की प्रॉपर्टी पर ठीक है कि वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड बनाएगा लेकिन अगर यही हम बात करें नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करती याद रखना ठीक है ये वाटर से रिएक्ट नहीं करती लेकिन जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए तो देखो जो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं क्या बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं याद रखना क्या बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड ठीक है जबकि ये क्या बना रहे थे जबकि ये क्या बना रहे थे भाई ये बना रहे थे बेसिक ऑक्साइड ये क्या बना रहे थे यहाँ पर देखो क्या लिखा है ये बना रहे थे बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे है ना तो अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया करने के बाद मेटल और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है क्लियर चलो अब यहाँ पर देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया किसके बारे में सल्फ़र ले लिया तो सल्फर का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुआ तो सल्फर डाईऑक्साइड बन गया क्या बन गया सल्फर डाईऑक्साइड अब आप सभी जानते हैं कि एक प्रमुख वायु प्रदूषक है ये क्या है भाई एक प्रमुख वायु प्रदूषक है ठीक है एयर पॉल्यूटेंट है कौन सल्फर डाइऑक्साइड एयर में उपस्थित होता है अच्छा कमेंट करके बताएंगे जरा ठीक है या किसी बच्चे को पता है चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूं है ना अभी आपसे पूछूंगा तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे याद रखना बेटा जब भी आपसे पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड तो याद रखना एक आ, आ, प्लांट होता है जिसको कहते हैं लाइकेन नाम सुना है इसका लाइकेन का तो लाइकेन जो होता है ये सल्फर के साथ हम कहें ठीक है तो सल्फर के प्रति क्या होता है ठीक है संवेदनशील होता है क्या होता है संवेदनशील होता है इसको याद रखना और इसी के कारण अगर एक एयर में अगर एटमोस्फियर के एयर में यानी वायु में सल्फर की मात्रा या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाता है लाइकेन क्या हो जाते भैया लाइकेन सूख जाते हैं मुरझा जाते हैं मर जाते हैं तो आप देख रहे हैं ना तो एसओ टू सल्फर ऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जो कि क्या है जो कि भैया ये अम्लीय ऑक्साइड है क्या है अम्लीय ऑक्साइड है आप याद करो कि जब यह अम्ली ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता था तो क्या बनाता था यह बनाता था भैया एस टू एस ओ फोर बनाता था क्या बनाता था सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता था और यही सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या करता था यही सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता था यह हमारे हम कहें तो अम्ल वर्षा के रूप में वहां पर वर्षा के साथ जमीन पर गिरता था याद रखना क्लियर कोई दिक्कत यहां पर कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं किसके बारे में अब देखो हमने यहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैंने आपको कल ही बता दिया था है ना अब आगे बढ़ते हैं किसके बारे में बात करते हैं बेटा सेमी कंडक्टर यही माफ करना मेटलाइड के बारे में बात करते हैं जिसको कहते हैं क्या जिसको कहते हैं उप क्या कहते हैं उप के बारे में बात करते हैं जिसको आप कहते हैं मेटेलाइड ठीक है तो अगर बात करें मेटोलाइड के बारे में तो मैंने आपको यह बताया कि मेटोलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे हम कहें तो एलिमेंट्स होते हैं ठीक है मेटालॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है ठीक है कुछ प्रॉपर्टी होती है धातु की होती है किसकी होती है मेटल्स की होती है और इसके साथ-साथ किसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की जिसको कहते हैं अधातु क्या कहते हैं अधातु कुछ प्रॉपर्टी यहां पर आपको नॉन मेटल्स की भी दिखाई देती है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहां पर ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है जैसे ध्यान से देखो जैसे अगर हम बात करें धातु की कौन सी प्रॉपर्टी है तो जो मेटलाइड होते हैं इसमें क्या होती है इसमें चमक होती है क्या होती है चमक होती है तो चमक किसकी प्रॉपर्टी है ये तो धातुओं की प्रॉपर्टी है है ना चंद्रशेखर रूपम रणधोज नाहर जितने भी बच्चे हैं और पता नहीं कुछ बच्चे तो अजीब सा नाम लिखे हैं वाई टी एक्स ट्वेंटी एट जो भी है है ना थोड़ा सा उन्होंने अपना कूट भाषा में अपना नाम रखा है तो देखो धातुओं की कौन सी प्रॉपर्टी है मेटेलाइट के पास कि इनमें चमक होती है तो फिर चाहे आप चाहे आप सिलिकॉन को देखेंगे चाहे जर्मेनियम को देखेंगे चाहे आर्सेनिक को एंटीमनी को या फिर टेल्यूरियम को ठीक है बोरान को ये इन सब में थोड़ी बहुत चमक होती है और चमक किसका गुण है मेटल्स का गुड़ है किसका गुड़ है मेटल्स का गुड़ है अच्छा इसके साथ साथ इसमें धात्विक ध्वनि नहीं होती याद रखना इसमें धात्विक ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती ठीक है यानी कहने का मतलब क्या है सोनरस ये नहीं होते हैं तो ये कैसी प्रॉपर्टी है ये तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है तो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की दोनों के बीच की जो स्थिति होती है दोनों का मिला जुला जो रूप होता है गुड़ होता है वो पाया जाता है मेटालाइट्स में और मेटालाइट्स जब भी आपके सामने आएगा तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताना है आपको जब भी मेटलाइट का नाम आएगा तो आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के निर्माण में इनका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है किसके रूप में सेमीकंडक्टर के रूप में याद रखना ठीक है तो आप सभी जानते हैं सेमीकंडक्टर पदार्थ ठीक है जिसको कहते हैं क्या जिसको कहते हैं भैया अर्ध चालक कहते हैं क्या कहते हैं अर्ध चालक नाम सुना है इसका ठीक है अर्ध चालक अगर बात करें हम तो आप जानते हैं इसमें कि ताप बढ़ने के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ठीक है ताप बढ़ने के साथ साथ ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ क्या होता है इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है या हम कहें प्रतिरोध होता है वो घट जाता है या आप ये भी कह सकते हैं कि चालकता बढ़ जाती है क्या बढ़ जाती है चालकता इसकी बढ़ जाती है ठीक है यानी कहने का मतलब ये हुआ सेमीकंडक्टर का या अर्धचालक का कि चालक और कुचालक है ना सुचालक और कुचालक के बीच का जो आ, आ... स्थिति होती है उसको कहते हैं अर्धचालक या है। सेमी कंडक्टर याद रखना अच्छा इसके साथ साथ अगर बात करें हम यहां पर तो ध्यान से देखना यहां पर लिखा भी गया है यूजली साइन ही होते हैं ये क्या है ये जनरली क्या होते हैं इनमें चमक होती है अच्छा लेकिन इसके साथ साथ क्या होते हैं ये ब्रिटल होते हैं अर्थात कहने का मतलब क्या है ये होते हैं भैया भंगुर होते हैं क्या होते हैं भंगुर होते हैं अर्थात कहने का मतलब इन पर चोट करेंगे तो वो ये ऐसा मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती मेटल्स के जैसा बल्कि ये क्या भुरभुरा कर टूट जाते हैं

अब जब हम वहां पर पढ़ेंगे तब सबका इंडिविजुअल यूज भी बताएंगे ठीक है क्या बताएंगे सबका इंडिविजुअल यूज भी बताएंगे ठीक है आपने एक चीज पढ़ रखी होगी ठीक है कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सेमी कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं किसके बनाए जाते हैं तो आपने उत्तर दिया होगा क्या जर्मेनियम और सिलिकॉन दिया होगा दिया होगा ना क्या दिया होगा जर्मेनियम तथा सिलिकॉन यही उत्तर दिया होगा कि इसी से बनाए जाते, जाते हैं भैया क्या सेमी कंडक्टर मटेरियल बनाए जाते हैं तो न केवल इससे बल्कि आर्सेनिक का भी इस्तेमाल किया जाता है एंटी मनी का भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है एक तो गैलियम आर्सेनाइड नाम से एक बहुत ही बड़ा हम कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर मटेरियल है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसका दैनिक जीवन में काफ़ी सारा उपयोग भी है अब बात करते हैं किसकी अब पहले ध्यान से देखो बात करते हैं किसकी बेटा ध्यान से देखना अब जैसे हम यहां पर बात करें तो यहां पर देखो एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया ठीक है क्या पढ़ा मेटल और नॉन मेटल तो कड़ ही पढ़ लिया था आज मेटलाइट के बारे में भी देखा अच्छा अब अगर बात करें हम मैटर के बारे में तो देखो एलिमेंट के साथ साथ आपके पास प्योर सब्सटेंस में क्या था कंपाउंड भी था भाई क्या था आपके साथ यहां पर देखा जाए तो ध्यान से देखना बच्चों तो क्या था यहां पर इसके साथ एक मिनट कहां गया कंपाउंड ठीक है हमने देखा कि एलिमेंट जो हमने पढ़ लिया इसके साथ साथ यहां पर हमें क्या पढ़ना 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 है पढ़ना है है प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत हमें भैया यौगिक भी क्या पढ़ना है यौगिक भी पढ़ना है कंपाउंड भी पढ़ना है और मैंने आपको बताया था कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं ठीक है कंपाउंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, जाएगा अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा या अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा क्या हो जाएगा कार्बनिक uh, हो जाएगा जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है और दूसरा क्या हो जाएगा जब दूसरा पूछा जाएगा तो आप बता देंगे ये हो जाएगा कार्बनिक अयोगिक हो जाएगा क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा कार्बनिक यौगिक या इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं तो पहले अकार्बनिक देख लेते हैं फिर कार्बनिक देख लेते हैं यौगिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यौगिक क्या होता है यौगिक ये होता है दो या दो से अधिक प्रकार के जो एटम्स होते हैं वो किसी निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो जो भी उत्पाद बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड कहते हैं क्या कहते हैं उसको उसको कंपाउंड कहते हैं याद रखना और अगर हम बात करें तो हमारे पास हमारे केमिस्ट्री में दो प्रकार के हमारे पास कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे जिसमें से एक क्या है जिसमें से एक है पहला है भैया क्या अकार्बनिक यौगिक है ठीक है अब अगर अकार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करें इसकी पहचान के बारे में बात करें या हम कहें ये क्या होता है तो याद रखना ठीक है ऐसा ऐसा यौगिक ऐसा यौगिक या ऐसा यौगिक या हम ए भी कह सकते हैं ऐसा रसायन ठीक है ऐसा यौगिक या ऐसा रसायन आप यहाँ रसायन भी कह सकते हैं ठीक है ऐसा रसायन जिनमें जिनमें क्या नहीं होता भाई जिनमें कार्बन कार्बन बंध अनुपस्थित होता है कार्बन कार्बन बंध अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है आ, 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 कार्बनिक रसायन कहलाता है या अकार्बनिक यौगिक कहलाता है ध्यान से देखना फोकस किस पे करना है आपको फोकस करना है सी सी बॉन्ड पर फोकस करना है ऐसा बॉन्ड यहां पर क्या होगा ये बॉन्ड आपको ऐसे कंपाउंड में नहीं देखने को मिलेगा ठीक है समझ में आ रही बात प्लीज़ हिंदी में सर इंग्लिश का कोई नहीं है ठीक है तो बेटा हिंदी में आपको लिखा नहीं क्या मैंने ठीक है यहाँ पर अकार्बनिक युगिक हिंदी में लिखा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है वो अंग्रेजी में लिखा है तो अच्छा यहाँ पर इसका जो मतलब है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का वो भी तो मैंने हिंदी में लिखा है और ये जो यहाँ पर लिखे गए हैं इनका भी मैं हिंदी लिखूंगा तो मैं तो इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि कोई देखो कुछ ऑडियंस हमारी गैर हिंदी भाषी राज्यों से भी हैं तो उनको कोई समस्या ना हो है ना चलो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऐसा यौगिक या ऐसा रसायन जिसमें क्या नहीं हो बेटा ध्यान से देखना जिसमें क्या नहीं हो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो बॉन्ड वाला जो आ, हम कहें तो आ, स, आ, स, लोकेशन हो वो अनुपस्थित हो क्या हो ये कार्बन कार्बन की चैन ना हो श्रृंखला ना हो तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड है तो कहलाता है अकार्बनिक रसायन कहलाता है अकार्बनिक यौगिक कहलाता है फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे अगर बात करूं तो ध्यान से देखना कौन कौन सा होगा जैसे देखो जैसे हो गया सी ओ टू हो गया ठीक है जैसे हो गया एस टू ओ हो गया जैसे हो गया सी ओ हो गया जैसे हो गया एनओ टू हो गया जैसे हो गया एन टू ओ हो गया जैसे हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया ठीक है एस टू ए हो गया जैसे क्या हो गया भाई जैसे अमोनिया हो गया तो ये सब क्या है ये सब क्या है अकार्बनिक यौगिक है अकार्बनिक रसायन है ठीक है ध्यान से देखना बच्चे गलती क्या करते हैं जब पूछता है इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है देखो ध्यान से देखो बच्चे गलती क्या करते हैं तो सी टू को बता देते हैं कि कार्बनिक यौगिक है क्या बता देते हैं बच्चे बच्चे बता देते हैं कि जो सी टू है ये कार्बनिक यौगिक है बेटा याद रखना ये कार्बनिक यौगिक नहीं है क्यों नहीं है ठीक है ये कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कैसे समझेंगे आप देखो मैंने बता दिया ना आपको पहचान क्या करनी है आपको ढूंढना है बेटा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ढूंढना है क्या वो बॉन्ड यहां पर है कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या ये बॉन्ड यहां पर है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है नहीं है तो यहां पर क्या बताएंगे आप, आप बता देंगे ये कार्बनिक यौगिक नहीं है अच्छा एक पहचान और भी है एक पहचान इसकी और भी है ठीक है अकार्बनिक यौगिक की तो याद रखना जब भी पूछेगा आपसे अकार्बनिक यौगिक के बारे में तो आप यह भी बता देंगे बेटा क्या बता देंगे आप बता देंगे यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर यह बॉन्ड भी अगर ना हो ठीक है कौन सा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है अगर यह बॉन्ड भी है ठीक है तो भी हो जाएगा कार्बनिक यौगिक तो कार्बनिक यौगिक के लिए या हम कहें अकार्बनिक यौगिक के लिए क्या पहचान होनी चाहिए कि न तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो और न ही कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड हो ठीक है अर्थात कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन सीरीज में नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर यहां पर देखो अपवाद के रूप में या अपवाद के रूप में नहीं अगर इस कंडीशन पे अगर हम आए तो ध्यान से देखिएगा एक कंपाउंड का नाम सुना होगा आपने मेथेन सुना होगा सुना है कि नहीं सुना है मेथेन गैस का नाम सुना है बायोगैस का नेचुरल गैस का या प्राकृतिक गैस का या सी का ठीक है इन सब का मुख्य घटक क्या है मेथेन है और मेथेन क्या है याद रखना बच्चा मेथेन एक कार्बनिक यौगिक है क्या है मेथेन एक कार्बनिक है अभी आप लोग कहेंगे सर इसमें भी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है।, है ना मेथेन की अगर हम संरचना देखें तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा भाई क्या कैसा दिखाई देगा आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार है ना इधर हाइड्रोजन हो गया इधर हाइड्रोजन हो गया इधर हाइड्रोजन हो गया इधर हाइड्रोजन हो गया और इधर हाइड्रोजन होगा, है ना तो आप कहेंगे यहां पर सर कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो मैंने कहा एक पहचान ये भी होती है ठीक है ध्यान से समझ में आ रही है बात ठीक है तो मार्स गैस भी है मार्स गैस भी है बिल्कुल सही ठीक है मार्स गैस का फॉर्मूला क्या है चंद्रशेखर कमेंट करके बताएंगे ठीक है सी टू एच सिक्स एस ठीक है ये क्या है ये मार्स गैस है अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान से देखते रहना ठीक है अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जो बॉन्ड हैं अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो तो की बात की जा रही है यहां पर, तो एसिड का मतलब यहां पर अम्ल हो गया भाई क्या हो गया अम्ल हो गया ऑक्सो एसिड की बात की जा रही है तो यहां पर क्या हो गया ऑक्सी अम्ल हो गया इसका मतलब क्या हो गया ये हो गया ऑक्सी अम्ल हो गया यानी ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो ठीक है एसिड की बात करें तो ये हो गया क्या भैया एच हो गया ऑक्सी अम्ल की बात करें तो क्या हो जाएगा जैसे एच टू एस ओ फोर हो गया क्या हो गया एच टू एस ओ फोर हो गया एच एन ओ थ्री हो गया यानी ऐसा ऑक्सी अम्ल ऐसे हम लोग को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मालिक्यूल या ऑक्सीजन एटम उपस्थित हो ठीक है याद रखना अच्छा हाइड्रो की बात करें ठीक है तो अगर आपसे पूछेगा हाइड्रो तो आप सभी जानते हैं जैसे कहने का मतलब ये हो गया कोई भी ठीक है कोई भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एस टू हो गया है ना माफ करना ये ऐसे हो जाएगा होल्ड हो जाएगा एम जी ओ एस टू ठीक है एम जी ओ एस टू को क्या कहते हैं भाई एम जी ओ एस टू को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्या कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या आप सभी जानते हैं कि एंटा एसिड है ये क्या है कि आ आमाश की अमलीता को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है चलो अगर हम बात करें यहां पर मेटल ऑक्साइड हो गया क्या हो गया भैया यहां पर अगर बात करें कोई मेटल ऑक्साइड हो गया यानी कहने का मतलब कोई धात्विक ऑक्साइड हो गया क्या हो गया धात्विक ऑक्साइड हो गया तो यह भी क्या है यह भी एक प्रकार का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपसे बात करें तो ये हो गया क्या एम जी ओ टू हो गया क्या हो गया MgO2 जी ओ टू हो गया तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड तो क्या है ये भी क्या है ये सारे के सारे इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं सबके सब, सब इनऑर्गेनिक में आते हैं याद रखना ठीक है रणजोद नाहर पंजाबी में भी, भी लिख दो बेटा अब इतना अब तो भारत की सभी भाषाओं में नहीं पढ़ा सकते हैं ना ठीक है चलो आगे बात करते हैं ठीक है अगले प्रश्न अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं किसके बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं इन तो आपने समझ लिया है क्या है ठीक है जहां पर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो इसका बॉन्ड न दिखाई दे वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक क्या होता है जहां पर वो बॉन्ड दिखाई दे यानी कहने का मतलब क्या है कि कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते भाई ऐसा कार्बनिक पदार्थ ठीक है यानी ऐसा रसायन ठीक है ऐसा पदार्थ जिसमें जिसमें क्या दिखाई दे आपको जिसमें दो चीजें दिखाई दे उनको कहते हैं क्या जिनको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पर होगा ठीक है इसके साथ साथ क्या होगा भैया इसके साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी ठीक है बॉन्ड होगा यहाँ पर क्या होगा कार ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड आपको दिखाई दे तो अगर ऐसा ये दो कंडीशन अगर कोई कंपाउंड पूरा कर रहा है ठीक है इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो कंपाउंड या वो कहें तो ऐसा कंपाउंड कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है क्या कहलाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है समझ में आ गई बात अब अगर हम कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन करें क्या करें कार्बनिक यौगिक का हम करें वर्गीकरण तो ध्यान से देखना ठीक है कार्बनिक यौगिक में हम बात करें यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इसका वर्गीकरण करेंगे तो हमारे पास दो प्रकार के ग्रुप मिलेंगे एक तो मिलेगा क्या ओपन चैन कंपाउंड मिलेगा यानी देखो जब कार्बन कार्बन की सीरीज बिनेगी कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी तो वो चैन में भी हो सकती है ठीक है यानी खुली चैन में भी हो सकती है और क्या हो सकती है वो बंद चैन में भी हो सकती है ठीक है क्लोज चैन में भी हो सकती है तो क्या कहेंगे आप आप कहेंगे बंद श्रृंखला क्या कहेंगे बेटा आप यहां पर कह सकते हैं इसको बंद श्रृंखला यौगिक क्या कह सकते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक ठीक है याद रखना ठीक है बंद श्रृंखला वाले यौगिक कह सकते हैं और इसको कहेंगे क्या भाई इसको कहेंगे खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या कहेंगे खुली श्रृंखला वाले यौगिक खुली श्रृंखला यौगिक कह सकते हैं ठीक है समझ में आ गई बात तो ये हो गया खुली श्रृंखला यौगिक और ये क्या हो गया ये हो गया बंद श्रृंखला यौगिक अब यहां पर देखो लिखा भी है साइकिल का मतलब क्या होता है साइकिल का मतलब होता है साइकिल और यहां देखो क्या लिखा है ए यानी कि यहां पर चक्र नहीं होगा तो यहां पर चक्र नहीं है इसलिए मैंने लाइन खींचा और यहां पर यह क्या है यह कंपाउंड चक्र में होता है तो यहां पर मैंने इसको राउंड कर दिया आप इससे भी समझ सकते हो तो जो ओपन चैन वाला कंपाउंड है कार्बनिक रसायन है या कार्बनिक यौगिक है यानी कहने का मतलब में क्या है कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला है वो ओपन है खुली हुई है तो वो दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं भैया सेचुरेटेड होते हैं जिनको कहते हैं संतृप्त रसायन क्या कहते हैं संतृप्त कहते हैं और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड इसको कहते हैं असंतृप्त होते हैं क्या कहते हैं इसको असंतृप्त तो क्या हो गया संतृप्त कार्बनिक रसायन और असंतृप्त कार्बनिक रसायन अब यहां देखो संतृप्त और असंतृप्त का जो कॉन्सेप्ट है ना याद रखना जो भी होगा संतृप्त इसमें क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा क्या होगा एकल बंद होगा याद रखना क्या होगा बच्चा यहां पर होगा एकल बंद ठीक है कोई दिक्कत यहां पर कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं आएगी लेकिन जो ये वाला होगा है ना जो ये वाला होगा यानी कि असंतृप्त होगा यहां पर हमेशा क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा ठीक है और इनको क्या कहते हैं भाई इनको कहते हैं भैया द्विबंध कहेंगे है ना जब ये एकल हो गया तो ये द्विबंध हो गया और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा त्रिकबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा त्रिक बंद हो जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा अनसेचुरेटेड और जब अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की अनुपस्थिति है तब क्या कहलाएगा संतृप्त या हम कहें तो सेचुरेटेड कहलाएगा अब समझो यहां पर अब समझो यहां पर इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है देखो हिंदी का शब्द है असंतृप्त और संतृप्त क्या है बेटा ये हिंदी भाषा का शब्द है अगर इन शब्दों पर फोकस करो तो देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है संतृप्त का मतलब है संपूर्ण तरीके से तृप्त क्या है संपूर्ण का तरीके से तृप्त तृप्त का मतलब क्या है आपकी प्यास बुझ गई ठीक है तृप्त का मतलब क्या है आप संतुष्ट हो गए ऐसे समझिए संतृप्त का मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट या पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से हुआ तृप्त कहलाता है संतृप्त यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तब तो यहां पर जितना हाइड्रोजन हो सकता है वो पर्याप्त हाइड्रोजन होगा होगा कि नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपसे अगर बात करूं ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो यहां पर एक कंपाउंड है एक कंपाउंड है यहां पर ध्यान से देखना मेरे बच्चों ठीक है ये हो गया एथेन क्या हो गया भाई ये एथेन हो गया तो आप देख सकते हैं कि इस दोनों कार्बन पर जितने हाइड्रोजन हो सकते हैं इससे ज्यादा हैं हो नहीं हो सकते इस कंपाउंड पर ये क्या है C2H6 या एथेन है तो आप देख रहे हैं इस पहले कार्बन पर तीन हाइड्रोजन मैक्सिमम हो सकते हैं और तीनों पूरे हैं इस कार्बन पर इसमें भी तीन हाइड्रोजन हो सकते हैं इसमें भी पूरे हैं तो क्या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहां पर लाया जा सकता है आप कहेंगे सर नहीं लाया जा सकता आप क्या कहेंगे नहीं लाया जा सकता इसका मतलब क्या हो गया यह पूरी तरीके से तृप्त हो चुका है भाई हाइड्रोजन खाकर इस कार्बन का पेट क्या है भर चुका है अब यह एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं खा सकता कार्बन को आप अपने आप को समझिए हाइड्रोजन को आप कचौड़ी समझिए और आप समझिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं आपकी भूख तीन कचौड़ी की है तो आपने तीन कचौड़ी खा ली है अब चौथे की जगह नहीं बची है और जब चौथे की जगह नहीं बची है तो आप संपूर्ण तरीके से क्या हो गए हैं तृप्त हो गए हैं क्या हो गए हैं तृप्त हो गए हैं लेकिन अगर असंतृप्त है या मान लीजिए आपकी भूख तीन कचौड़ी की है ठीक है समझ लीजिए कि आपकी भूख तीन कचौड़ी की है लेकिन पार्टी में आपको दो ही मिला भीड़ ज्यादा थी लोग ज्यादा आए थे ठीक है कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपको तीसरी कचौड़ी नहीं मिल पाई ठीक है अब यहाँ पर ऐसे कंपाउंड का उदाहरण देखिए ठीक है एक कंपाउंड है एथेन एथलीन गैस है है ना जो कि आप कृ... फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जिसका तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या बन जाएगा बेटा कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा ठीक है थोड़ा सा बॉन्ड को मैं चौड़ा कर दू क्या ताकि सभी बच्चों को ध्यान से दिखाई दे है ना अच्छे से चलो आओ बात करते हैं क्या कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर क्या बन गया बेटा डबल बॉन्ड बन गया है ना डबल बॉन्ड बन गया तो अगर हम चाहें ठीक है यानी इस कार्बन इस कार्बन को आप अपने आप को समझिए आपकी तीन कचौड़ी की भूख है तो इस कार्बन की दो कचौड़ी मिल गई है यानी दो हाइड्रोजन मिल गया है तीसरा भी नहीं मिल पाया है अगर इस डबल बाड को हम तोड़ दें तो यहां पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ सकता है कि नहीं आ सकता है कमेंट करके बताओ सभी बच्चों अगर इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ दें तो क्या इस कार्बन पर एक्स्ट्रा बॉन्ड आ सकता है आप कहेंगे हाँ सर आ सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन की भूख अभी शांत नहीं हुई है और यह क्या है असंतृप्त हुआ है बेचारा यानी कि असंपूर्ण तरीके से तृप्त हुआ है ठीक है अभी भी कुछ ठीक है कसर रह गई है ठीक है तो अभी यह क्या है ये पूरी तरीके से तृप्त नहीं हुआ तो जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या किसी कार्बनिक रसायन में, में पूर्ण होती है तो उनको कहते हैं संतृप्त कार्बनिक रसायन और ज, ऐसा कार्बनिक रसायन जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूर्ण नहीं होती है यानी पूरी कचौड़ी नहीं मिल पाई जितना उसकी भूख थी तो क्या हो जाता है वो हो जाता है असंतृप्त अच्छा आपने एक एस्टिलीन गैस का भी नाम सुना होगा है ना आपने एक एस्टलीन गैस का भी नाम सुना होगा वो क्या है भाई ठीक है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी बनाता है और वही गैस वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन गैस ही निकलती है याद रखना बेटा ठीक है मानव द्वारा तैयार किया गया अगर कोई रसायन है जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो है एसिटिलीन गैस ठीक है ये क्या है भाई ठीक है ये है एसिटिलीन गैस ठीक है यानी इसका नाम क्या है इसको कहते हैं सी क्या है एसिटिलीन अब देखो यहां पर अब इस कार्बन की तो भूख और भी शांत नहीं हुई है तो गुस्सा हो तो गाली देकर जाएगा पार्टी से अगर मान ले इस कार्बन के बारे में इन दोनों कार्बन की जगह पर आप अपने आप को सोके सोचें थिंकिंग करें तो आप तो गाली देकर जाएंगे उस व्यक्ति को क्यों क्योंकि आप देखो आपकी भूख क्या थी इन दोनों ही कार्बन की भूख कितनी थी दो और हाइड्रोजन खाने की भूख थी दो और कचौड़ी इनको मिला एक ही मिला ये सब तो भाई फिर भी दो पा चुके हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक ही मिला है तो एक ही मिला है क्या है ये बहुत ही ज्यादा ये सुपर अनसेचुरेटेड कहलाता है ये क्या कहलाता है सुपर अनसेचुरेटेड यानी कि अब ये अब समझ लो इसका इसका दिमाग ही खराब है ठीक है इससे कुछ बोलो मत इसको कचौड़ी पूरी नहीं मिली है समझ में आ गई बात समझ में आ गई सभी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बात समझ में आ गई एस्टिलीन के बारे में ठीक है या हम कहें तो अनसे और सेचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में समझ में आ गया या नहीं आया ठीक है चलो बात करते हैं किसके बारे में अब अब बात करते हैं भैया हम क्लोज चैन रिएक्शन के बारे में ठीक ठीक तो यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा ठीक है क्लोड चैन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं अब देखो क्लोड चेज कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के का, आ, हम कहे तो कंपाउंड आपको दिखाई देंगे तो देखो एक क्या दिखाई देगा ओनली कार्बन रिंग वाला दिखाई देगा जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहते हैं क्या कहते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और यहाँ पर क्या दिखाई देगा यहाँ पर दिखाई देगा आपको हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि रिंग में क्या होगा कार्बन के अतिरिक्त कुछ अलग भी तत्व होंगे जैसे यहाँ पर हो गया भैया ऑक्सीजन हो गया तो फ्यूरान बन जाएगा नाइट्रोजन हो गया तो प्रीडीन बन जाएगा ठीक है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या इसके अतिरिक्त कुछ भी कंपाउंड दिखाई दे सकते हैं ठीक है तो साइकिल वाले कंपाउंड ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं इसमें जो केवल कार्बन वाला होगा ठीक है एक वो प्रकार का होगा एक होगा कार्बन के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। अच्छा जो केवल कार्बन वाला है वो दो प्रकार का होगा अगर वो एली साइकिल है यानी कहने का मतलब ऐसा वाला हुआ तो क्या हो जाएगा वो सामान्य सा कार्बन हम कहें तो साइक्लिक कंपाउंड होगा लेकिन यदि वो एरोमेटिक है यानी कहने का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित हो क्या हो बेंजीन श्रृंखला उपस्थित हो अगर ऐसा है तो कहलाएगा एरोमेटिक और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा सुगंधित होता है चाहे बेंजीन हो चाहे फिनाल हो है ना ये सब सुगंधित होते हैं टालुविन हो ठीक है अच्छा बेटा अब इस क्लास को मैं अभी यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ या इसके आगे की बात ठीक है कार्बनिक रसायन आप समझ ही चुके हैं ठीक है ठीके? अब हम जो कल पढ़ेंगे जो कल की क्लास में पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता दू कि कल पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे होमोजिनस मिक्सचर क्या होता है यानी कहने का मतलब ट्रू सोल्यूशन और एलॉय क्या होते हैं और हेड्रोजिनस मिक्सचर यानी कि बीस मिश्रण क्या होता है सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मिश्रण के अंतर्गत सोलूशन कोलाइड और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज में अंतर क्या है अर्थात इसकी परिभाषा कहां से निकल कर आती है कि यह क्या चीज है रियल सोल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन इन तीनों को पढ़ेंगे ये तीनों परीक्षा में बहुत हम कहें तो गंभीरता से प्रश्न उठाए जाते हैं और बच्चे वहां पर कर नहीं पाते हैं अच्छा इसके साथ साथ हम सॉल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूशन ये क्या है इनको इनके घटकों के बारे में पढ़ेंगे हम सारी चीजों को डिटेल को डिटेल तरीके से पढ़ेंगे इसके बाद रियल सोल्यूशन के साथ साथ हम वहां पर सोलिबिलिटी की भी चर्चा करेंगे है ना सोलिबिलिटी यानी कि विलेयता की भी चर्चा करेंगे भाई किसी आ, कंटेनर में हम थोड़ा सा नमक डाल दें तो घुल जाएगा ठीक है कौन सी ऐसी स्थिति आएगी कि नमक घुलना बंद हो जाएगा तो इन सब सारी चीजों की चर्चा करेंगे ये सारी चर्चाएं होंगी कल की क्लास में अभी ये क्लास कटने जा रही है और इस क्लास के बाद कमल सर आप सबके लिए एक छोटा सा जेनरिक शो लेकर आएंगे उसमें आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे तो इस क्लास को कटने के बाद आप उस क्लास में आइए ठीक है एक इंपॉर्टेंट सूचना आई हुई है आप उस क्लास में आकर वहां पर उस सूचना को सुने मैं चाहूंगा कि आप सुने ठीक है तो इसके बाद की क्लास बेटा अब आपके आ, होगी आ, कल की कल के दिन में होगी कल मतलब कल शाम होगी तो तब तक के लिए बेटा नमस्कार जय हिंद जय भारत आपकी शाम शुभ हो धन्यवाद